अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। तो अभी शाम का टाइम है, मैंने कहा जल्दी जल्दी लकड़ियाँ बना लूँ, कुछ लकड़ियाँ बना के मैं रख देती हूँ सहर टाइम के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहनें और भाई बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम भी हो गया है और आज जो है ना एक बैड न्यूज़ भी है। थंबनेल तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो इस बारे में भी चल के बात करेंगे आगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। माशाल्लाह ये देखें बाहर शाम का टाइम, आप ही गंदम देखें आज, गंदम के दाने तो दिखाओ आज। वो सिटी को हाथ में मरोड़ के पहले हम जैसे भून के खाते थे, वो वहाँ पे जहाँ पे पकी हुई है वहाँ पे चलो, फिर हम किचन में चलेंगे क्योंकि अभी टाइम है, अभी रोजे को देर है। वही चल के देखते हैं, एक सिटी जो है ना उसको मकोल के देखते हैं पहले जैसे हम दाने भून के खाते थे। एक दिन ये भी बनाएंगे, सीटियां जब पक्की हो जाएंगी ना तो इनके दाने, इतना हमें शौक होता था बहुत ज्यादा। पक्की सीटी देखो जो पक्की है उसके दाने निकाल के चेक करते हैं हाथ में, इसको मकोलो ना मकोलो। अभी इतने भी नहीं है होंगे दाने, हैं वैसे भूलने के ना, देखिए कि यही सीटियां हैं क्योंकि सीटियां फिर ज्यादा जब सूख जाती है ना उनके दाने नहीं बनते, वो जैसे हम पहले बनाते थे सीटियां को भून दे, सिटियां को भून के वल खांदे आसे बचपन च असा बचपन ऐ सारे कलेजे। ये देखे माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे हाथ करो ना फिर नजर आएंगे। देखिए हां जी क्या बात है, इस साल बारिश और आंधी नहीं आई इसलिए सब की गंदा बहुत ही अच्छी गई है, बहुत अच्छी। इस गांव में तो ये वाली गंदा बहुत अच्छी हुई क्योंकि हमारे उस गांव में इतनी गंदा मच्छी नहीं होती थी क्योंकि वहां पे काफी लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आप पहले वाला गांव क्यों छोड़ के आए हैं, तो कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो घर हमें छोड़ना पड़ा। इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे कि हमें क्या मजबूरी थी, कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। वहाँ पे हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 35 साल अबू ने गुजारे हैं वहाँ पे, हाँ बचपन उधर ही गुजारा है और बहुत सी मुश्किलें, हाँ उधर देखी हमने, आखिरकार इतने मजबूर हो के हमें वो गांव बेचना पड़ा, हमें वो जगह भी बेचनी पड़ी, घर भी बेचना पड़ा। तो अल्लाह पाक देखे ना, अल्लाह पाक ने उससे भी अच्छी जगह हमें दे दी है माशाल्लाह से। ये बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत प्यारा गांव है, यहाँ पे मजदूरी भी मिल जाती है, गंदा हर काम मिल जाता है। ये देखिए काफी ये सारी जिम्मेदारों की फसलें हैं, यहाँ पे जब ये कटेंगी तो हर किसी को मजदूरी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पे काम मजदूरी आम है, मिल जाती है, मुश्किल नहीं है ज्यादा इतनी। तो अभी हम किचन में चलते हैं क्योंकि बेगम साहब जो है ना वो अकेले अकेले बैठी होगी, लकड़ी उठा लो जल्दी जल्दी जल्दी, पता नहीं किधर चली गई। हाँ जल्दी जल्दी लकड़ी उठाओ, चलो भाई किचन में चलते हैं, उधर ही बैठ के बात होगी फिर। आप लकड़ी ले आओ, मैं किचन में जा रहा हूँ। तो हम किचन में आ गए हैं माशाल्लाह से, और यूसुफ यूसुफ को रेडी प्याज बिठा के झूठे नहीं खिलाए, ऐसे खिलाए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। अच्छा ये ऐसे खेल रहा है आज, आज गोड़ खाना बैठे, गोड़ यूसुफ आज गोड़ खा रहा है, गोड़ खा रहा है। माशाल्लाह जी आज पका रहे हैं हम भिंडियां जो बहुत ही जबरदस्त बनती हैं, काफी दिनों के बाद आज, क्योंकि भिंडियां काफी महंगी है ना पाकिस्तान में, भिंडियों का रेट 400 रुपये किलो हो गया है। चलो ये सुबह के लिए फिर काम आएंगी ना लकड़ी, चलो सहरी के टाइम फिर काम आएंगी। वैसे जिस बात का डर था ना वही बात हुई है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए था, कैसे अबू ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे एक घर तो टूट गया ना। हाँ वैसे हमें यानी कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं हम भी वैसे ही सुन रहे हैं, वैसे इनको चाहिए था कि घर आबाद हो सकता था अगर यानी कि बड़े बैठ के एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात वगैरह करते। देखो बहन भाई है ना, अब वो आपस में बहन भाई है ना, असल में खास रिश्तेदार हैं,
ऐसे होना नहीं चाहिए था। चलो वो तो उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी, नाम कुछ है, इसके बारे में ज़्यादा आप कह भी नहीं सकते। पता नहीं, अब वो कह रही है, सोनिया कह रही है कि वो भी दूसरी शादी करेगी, और वसीम कह रहा है कि वो भी दूसरी शादी करेंगे। पता नहीं, देखते हैं फिर। हम इस गांव में हैं, बस यही बातें सुन रहे हैं। हाँ, जब से सुनते हैं हम, जैसे इनकी वीडियो देखते हैं हम, तो वही कहते हैं ना। हाँ, जब से आए हैं बस यही बातें सुन रहे हैं, जब से ये इनके यानी कि हुआ है ना। तो अल्लाह पाक बस इस नेक माह रमज़ान में सबके जो है ना गुनाह माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो है ना बस इस नेक काम अच्छे करने की, काम करने की तौफीक दे। हाँ, तो बस अभी सलामत रखे, बस यही बात है। आप जो है ना खीरे थे इसमें, खीरे तो ले आओ ना, खीरे सलाद वगैरह बना लो ना, खीरे ले आओ, खीरे बना लो, फिर बाकी आधा घंटा तो सारा रह गया है। बस आधा ही घंटा रह गया है, फिर रोज़ा भी खुल जाएगा। अम्मी ने चूड़ियाँ देखो कौन सी पहनी हुई हैं, ये आज कब, ये मेरे ख्याल में अम्मी की शादी वाली चूड़ियाँ। हाँ, मेरी शादी वाली चूड़ी ये अब्बू ने मुझे लगता है आपको गिफ्ट की है। अच्छा, ईद वाली है। मैंने कहा अब्बू ने, जिस दिन अब्बू और अम्मी की शादी हुई थी ना, वो शादी वाले गिफ्ट है। मैंने जो खुद एक गिफ्ट हो उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। ये गिफ्ट ना देने का बड़ा बहाना। मुझे उसने, हमें इतना प्यारा बड़ा गिफ्ट मिला है, वो देखो वो कह रहा है, वो देखो अल्लाह की तरफ से हमें कितना प्यारा गिफ्ट मिला है, वो देखो माशाल्लाह से, ये अल्लाह की तरफ से हमें बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है। ना देने का बहाना है ये पक्का। इस बार कुछ भी कह रहे हम तो लेंगे ना, हमारी बस चूड़ियां ले गया ना, हम इतना बड़ा गिफ्ट। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे और वो ऐसी चूड़ियां होंगी जो किसी ने नहीं पहनी होंगी, फिर तो ठीक है ना, कभी भी किसी ने नहीं पहनी होंगी। हाँ, साफ जहर से बाजार में जो चूड़ियाँ आई पड़ी होती वो किसी ने पहनी भी नहीं होती। वो आप भी पहनोगे ना। उधर देखो वो टपोली खा रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह ईद भी बहुत जल्द आने वाली है, अल्लाह पाक ये 30 रोज़े सबके मुकम्मल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ईद पे बहुत अच्छे व्लॉग भी आएंगे, तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह एक अच्छे और प्यारे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।